दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन रेलवे की तरफ से इस स्टेशन को ए श्रेणी में रखा गया। यहां आने वाले यात्रियों का कहना है कि फुटओवर ब्रिज ना होने की वजह से वो फाटक को पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इससे उनकी जान पर भी खतरा बन जाता है। इसके साथ ही यात्रियों को कई और भी तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी ए श्रेणी से दे दी गई। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा प्राप्त है। यहाँ राजधानी शताब्दी जैसी हाई क्लास ट्रेनें रुकती हैं। बावजूद इसके यहाँ आने वाले यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ए ग्रेड का दर्जा होने के बावजूद भी स्टेशन के बाहर टॉयलेट नहीं है, स्टेशन में एटीएम की सुविधा नहीं है, साथ ही पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। फुट ओवर ब्रिज नहीं है जिससे यात्री जान को जोखिम में डालकर क्रॉसिंग को पार करते हैं। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा हासिल है, बावजूद इसके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे लोग वंचित हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि स्थानीय लोगों का कहना है। हमारे साथ में बात करने के लिए स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना है उनका? सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एनएल गुप्ता है, मैं यहाँ पर 1957 से रह रहा हूँ और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी समय से पुराना बना हुआ है और अभी काफ़ी टाइम से इन्होंने रेलवे विभाग ने इसको ए ग्रेड रेलवे स्टेशन उच्च श्रेणी का स्टेशन बना दिया गया है। परंतु जो ए ग्रेड स्टेशन पे जो मूलभूत सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो 1.0% भी नहीं। आने जाने वाले यात्रियों का कहना है स्टेशन पर टॉयलेट ना होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग खुले में शौच को मजबूर हैं, जिससे आसपास गंदगी फैली है। रिजर्वेशन काउंटर को लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है आरक्षण केंद्र तो बना है लेकिन पार्किंग नहीं है। लोगों की परेशानी सबसे पहले तो ये है जी, एक तो जलपान गृह नहीं है, मैंने आटे से माध्यम से पूछा, अंडर पाइपलाइन, एटीएम नहीं है, अंडर पाइपलाइन, फुटओवर ब्रिज जो कि फाटक आप देखते हैं इसके नीचे से लोग यात्री निकलते हैं, आने जाने 24 घंटे एक खतरा बना रहता है। यहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज बनना था, इन्होंने अंडर पाइपलाइन दे रखा और थोड़ा सा इन्होंने खोदा भी था फिर वो बंद डंप पे चला गया। उसके अतिरिक्त सबसे जैसे कि आप देख रहे हैं शौचालय का, ये शौचालय यहाँ पर बिल्कुल नहीं है जिससे कि लोग यात्री जो भी उतरता है वो इधर उधर करता रहता है और गंदगी इतनी होती है जिसका कि हिसाब ही नहीं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो आरक्षित रेलवे काउंटर है और अनारक्षित रेलवे काउंटर है उसके दो दो काउंटर यहाँ इन्होंने बनाने थे। ये देख रहे हैं आप कितनी जगह इनकी खाली पड़ी रेलवे लैंड की, इसका मिसयूज हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रेलवे की कई योजनाएं अधर में लटकी हैं। इसकी जानकारी आरटीआई लगाकर ली गई। लोगों का कहना है कि यहाँ एटीएम नहीं है, फुट ओवर ब्रिज ना होने से लोग फाटक से निकलते हैं जो काफी खतरनाक है। जब श्रेणियां बांटी गई इसकी 7-8 श्रेणियां बनाई गई हैं हमारे रेलवे विभाग द्वारा, इसको प्रथम श्रेणी में डाला गया है। यदि हम श्रेणी लास्ट ली जाए इनकी इनके हिसाब से उस श्रेणी की सुविधाएं यहाँ पर हैं लास्ट वाली। जो 7 पायदान इन्होंने बनाए हुए हैं वो किस स्तर पे बनाया यही नहीं समझ आता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, रेलवे ने क्या देखकर स्टेशन को ए श्रेणी में रखा है? यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। दिल्ली के तमाम जो रेलवे स्टेशन है उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली कैंट का जो रेलवे स्टेशन है उससे सौतेला व्यवहार जरूर अपनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं जो देनी थी वो कहीं ना कहीं उससे लोग वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि खबर चलने के बाद क्या कोई अधिकारी इस पर संज्ञान लेता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।